वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं राजकुमार राव एंड सानिया मल्होत्रा स्टार ऑफ फिल्म हिट द फर्स्ट केस के बारे में। यू नो मर्डर मिस्ट्रीज एंड सस्पेंस थ्रिलर्स, ये ऐसे जॉनरा है जिसमें हमारे यहाँ आज भी बहुत कम फिल्में बनती आ रही है। एक वक्त था जब डायरेक्टर विजय आनंद या फिर राज खोसला साहब एक से बढ़कर एक कम माल के सस्पेंस थ्रिलर्स बनाते थे। उसके बाद वी डिड सी अब्बास मस्तान या फिर राजीव राय एंड फ्यू मोर डायरेक्टर्स मेकिंग सम कमर्शियल एंटरटेनर्स विद सस्पेंस थ्रिलर वाला एंगल अटैच्ड टू इट। लेकिन उसके बाद इस जॉनरा में कमर्शियल एंटरटेनर वाला जो एंगल था वो गायब हो गया एंड रियलिस्टिक एंगल अटैच हो गया। दृश्यम जैसी एक दो ऐसी फिल्में थी जिसमें स्टार पावर के साथ साथ अच्छा सस्पेंस एंगल भी अटैच था। अब दृश्यम की ही तरह एक और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म आई है जिसका नाम है हिट द फर्स्ट केस, जो कि एक तेलुगु फिल्म की रीमेक है। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये फिल्म हमें एक और कमाल की सस्पेंस थ्रिलर देने में कामयाब होगी या फिर माइट एंड अप बीइंग वन मोर हाईली प्रेडिक्टेबल थ्रिलर। हिट द फर्स्ट केस फिल्म की कहानी है पुलिस ऑफिसर विक्रम यानी कि राजकुमार राव की, जो कि अपने डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर है। उनकी गर्लफ्रेंड नेहा यानी कि सानिया मल्होत्रा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है, लेकिन विक्रम की तबीयत काफी खराब रहने लग जाती है ड्यू टू हिज पास्ट ट्रॉमा, जिसके बनते वो कुछ महीनों के लिए ब्रेक लेते हैं अपने काम से और साथ ही रिलेशनशिप से। लेकिन उसी दौरान उनके शहर में एक लड़की की किडनैपिंग हो जाती है और उसके कुछ वक्त के बाद नेहा को भी किडनैप किया जाता है। विक्रम को लगता है कि ये दोनों किडनैपिंग एक दूसरे से जुड़े हैं और उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज फिल्म जो है, जैसे कि मैंने बताया, साउथ की फिल्म की रीमेक है एंड जिन्होंने ये साउथ वाली फिल्म देखी होगी माइट हैव टफ टाइम एंजॉयिंग द सस्पेंस एलिमेंट अटैच्ड टू दिस फिल्म। हाँ, बाकियों के लिए फिल्म की कहानी तो सिंपल है पर उसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैनर में प्रेजेंट किया गया है, खासतौर पर राजकुमार राव के पास्ट वाले ट्रॉमा को। लेकिन उसके बाद जैसे ही किडनैपिंग होती है फिल्म अपने राइट ट्रैक पे आ जाती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में राजकुमार राव के कुछ इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स है वो काफी कमाल के है, फॉलोड बाय एंटायर मिलिंद गुना जी का ट्रैक लीडिंग टू राजकुमार राव इन्वेस्टिगेटिंग द केस एंड मीटिंग पीपल। ये सब कुछ फर्स्ट हाफ को डिसेंट बना के रखता है, लेकिन इसी फर्स्ट हाफ वाले ट्रैक में कुछ एब्रप्ट सीन्स भी है एंड बिल्टअप देने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाता है एंड साथ ही पेस भी कुछ जगहों पर ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने बताया इंटरवल के कुछ वक्त के पहले फिल्म अपने राइट ट्रैक पे आ जाती है, अपने राइट थ्रिलर स्टाइल में आ जाती है। उसके बाद सब कुछ फटाफट होते रहता है, काफी कुछ होते रहता है एंड आपके सामने कई सस्पेक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन भी काफी रियलिस्टिक मैनर में किया जाता है, जो कि आपको फिल्म से बांधे रखता है लीडिंग टू अनप्रेडिक्टेबल या के कहिए काफी सरप्राइजिंग क्लाइमैक्स। हाँ, उस क्लाइमैक्स का जो जस्टिफिकेशन है वो काफियों को कनेक्ट करेगा और कुछ को नहीं, बट स्टिल इट्स सरप्राइजिंगली गुड। बस इन सबको राजकुमार का जो पास्ट वाला एंगल है ना वो थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर देता है एज वो बार बार बीच में आता रहता है एंड इवन फिल्म के क्लाइमैक्स के बाद भी आता है, विच इज बिट रिपीटेटिव एंड हाईली इरिटेटिंग। फिल्म में कुछ अच्छे डायलॉग्स भी है, खास तौर पे राजकुमार राव वर्जन ऑन मॉरल पुलिसिंग। साथ ही फिल्म की एडिटिंग जो कि फर्स्ट हाफ में तो ठीक ठाक है इज सुपर्ब इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म। म्यूजिक की बात करेंगे तो कितनी हसीन होगी द ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड बैकग्राउंड स्कोर ब्लेंड्स वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर मैनेजेस टू गिव्स अस अ टाइट थ्रिलर विद गुड नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स अटैच्ड टू इट। उनका रिलेटिबिलिटी भी काफी सिंपल येट इम्पैक्टफुल है, बस फ्लैशबैक पोर्शंस थोड़े कंट्रोल करते ना तो और मजा आ जाता। परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो राजकुमार राव इज सुपर्ब इन हिज रोल। एक तो सीन्स है जब उन्हें स्ट्रेस अटैक्स आते हैं, ही इज सिंपली आउटस्टैंडिंग इन दोज सीन्स। सानिया मल्होत्रा लुक्स गुड एंड शाइन्स हाई इन द सॉन्ग, बट उनका रोल थोड़ा छोटा है। इनके साथ साथ दलीप तायर, शिल्पा शुक्ला, संजय नार्वेकर लेंड गुड सपोर्ट। हाँ, मिलिंद गुना जी अपने रोल में डिसेंट है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे हिट इज अ टाइट एंड कॉम्प्रिहेंसिव थ्रिलर व्हिच विल बी लव्ड बाय ऑल दोज हु लव दिस जॉनर एंड दैट टू इन डिटेल्ड मैनर। हाँ, फॉर ऑल दोज हु हैव वॉच द ओरिजिनल या के एक्सपेक्ट कर रहे मसाला ड्रामा माइट बी बिट लेट डाउन। इसके बनते मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। सो ऑल यू राजकुमार राव एंड सानिया मल्होत्रा के फैंस डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा।